संतों को छोड़कर किसी मजहब के संत की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने की। हाँ, अगर आएगा तो पेंट गीला करके हम भेजेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब देखा जाए आगे क्या होता है, क्योंकि बात तो यहां तक पहुंच गई है कि बाबा बागेश्वर धाम ने जो चैलेंज किया था उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया गया है। बाबा बागेश्वर धाम ने कहा था कि सनातन धर्म के अलावा किसी भी धर्म के लोगों में बाबाओं में इतनी हिम्मत इतनी जरूरत नहीं है कि हमसे मुकाबला कर सके, तो मुसलमानों की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया है। हजरत मौलाना तालिब रजा अतहरुल कादरी साहब के बला जो गुलबर्गा शरीफ कर्नाटका के रहने वाले हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा है कि दिन भी तुम रखो, तारीख भी तुम ही रखो और वक्त भी तुम ही रखो, जगह भी तुम ही बताओ, हम आएंगे और तुमसे मुकाबला करेंगे। क्या कुछ इस वीडियो में बातें हुई है, आइए इस वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ और भी बातें बताने वाला हूं। और मुझे इस बात का यकीन भी है कि इंशाल्लाह तबारक व तआला फिर एक मरतबा मुसलमानों की ही जीत होगी। जिस तरीके से कुछ दिन पहले जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कबला जो मुबाहले के लिए तैयार हुए थे, वो शेर रजा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जिनकी जीत हुई थी, जो कि आपको पता होगा कि यदि नरसिंह आनंद जिसने मुबाहले का चैलेंज दिया था कि आप आग में कूदेंगे, लेकिन जीत वहां पर भी मुसलमानों की हुई। बहरहाल आप आइए पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह तबारक व तआला और भी कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है, आइए पहले वीडियो देखते हैं। वर्तमान में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी मजहब के संत की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने की। हाँ, अगर आएगा तो पेंट गीला करके हम भेजेंगे। हाँ, पेंट गीला कर देंगे, उसका वो जो है ना सू नहीं चलेगा। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं है, साधना नहीं है, लेकिन हमारे बालाजी के पास है और हमारे बालाजी कम नहीं, हमारे बालाजी आहा संकट मोचन है, अति बलवान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा बागेश्वर धाम ने दुनिया के तमाम धर्मों के संतों बाबाओं और पेशवाओं को, बल्कि मौलवियों और पादरियों को अपमानित करते हुए जिस भाषा का प्रयोग किया है, जिस जुमले का इस्तेमाल किया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त और काबिले अफसोस और शर्मनाक है। सर्वप्रथम मैं देश भर के तमाम युवाओं को वाजे तौर पे बता देना चाहता हूं कि बाबा बागेश्वर धाम चमत्कार के नाम पर जो भी दिखाते हैं वो एक आर्ट है, वो एक फन है, वो एक कला है और एक ट्रिक है। उसे किसी अवतार या देव देवताओं से जोड़ना और चमत्कार मानना गलत बात है। बाबा बागेश्वर धाम ने दुनिया के तमाम धर्म के मानने वालों को चैलेंज किया है, लिहाजा मैं तालिब रजा अतहरुल कादरी गुलबर्गा शरीफ कर्नाटक से बाबा बागेश्वर धाम के चैलेंज को स्वीकार करता हूं, कबूल करता हूं। और बाबा बागेश्वर धाम, अगर तुम सच्चे हो, शक्तिशाली हो और इतने पावरफुल हो, तो आओ मैदान में, एक वक्त बताओ, एक जगह बताओ, तारीख बताओ जहां तुम अपने तमाम भक्तों के साथ आ सकते हो, वो जगह बताओ। मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ाबजल 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से उनकी दुआएं लेते हुए तुम्हारी चैलेंज को कबूल करते हुए आने के लिए तैयार हूं और तुम्हें गलत साबित करके बताऊंगा और जो भी तुम करते हो वो मैं करके बताऊंगा। लेकिन याद रखो बाबा बागेश्वर धाम, जो मैं करके दिखाऊंगा वो तुम 7 जन्मों तक नहीं कर सकते।